नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भसुमाङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमो शिव

हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आइए आज महाशिवरात्रि के अवसर पर चंद्रदेव और शिव भगवान के ऊपर आधारित एक पौराणिक कथा सुनते हैं चंद्रदेव अत्यंत सुंदर और गर्व वर्ण के थे उन्हें अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था राजा दक्ष प्रजापति की सत्ताईस पुत्रियाँ थीं उन सबका विवाह चंद्रदेव के साथ इस शर्त पर हुआ था कि सभी के साथ वो समान व्यवहार करेंगे रोहिणी सभी बहनों से अधिक सुंदर थी चंद्रदेव उन्हें अधिक प्रेम करने लगे अन्य पत्नियों ने दुखी होकर पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी राजा ने चंद्रदेव से कहा तुमने मेरी सभी पुत्रियों को समान प्रेम करने की प्रतिज्ञा करी थी पर तुम एक को सभी से ज़्यादा चाहते हो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के कारण मैं तुम्हें साफ देता हूँ कि तुम्हारी दीप्ति नष्ट हो जाएगी साफ पाकर चंद्रदेव अत्यंत तो दुखी हो उठे वे ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने गए ब्रह्मा जी ने कहे आप दस करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें इससे शिव भगवान प्रसन्न होंगे वही आपका दीप्ति लौटा सकते हैं तुरंत चंद्रदेव ने मंत्र जापना शुरू कर दिए कठिन तपस्या में बैठकर चंद्रदेव जाप करते रहे अंततः शिव भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन देते हुए चंद्रदेव को वर मांगने को कहा चंद्रमा बोले प्रभु मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपना दीप्ति पा सकूँ शिव भगवान ने कहा तुम्हें महान राजा दक्ष प्रजापति ने साप दिया है मैं इससे मुक्त तो नहीं कर सकता पर हाँ आंशिक रूप से आपकी दीप्ति वापस आ जाएगी तभी से चंद्रदेव कुछ ही रातों में दीप्तियमान होते हैं उनकी सत्ताईस पत्नियाँ आज सत्ताईस नक्षत्रों के नाम में जानी जाती है रुख वेद में भी ऐसा ही वर्णन है फ्रेंड्स आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं